हाँ गाइज बिल्कुल, अपना बीजीएमआई फिर से बैन हो सकता है। अब तुम बोलोगे भाई क्या बकरा यार, अभी तो बीजीएमआई अनबैन होके आया है और फिर से तू बैन की बात कर रहा है। देखो यार, आज की इस वाली वीडियो को आखिर तक देखना, सब कुछ समझ आ जाएगा बीजीएमआई बैन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, और होगा तो किस रीजन से और क्यों होगा। और भाई अपने क्राफ्टन की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ चुका है, अगर आप इस अपडेट को मिस कर दोगे ना भाई, बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो आपसे लोग, फिर अपने आईडी से आपसे लोग हाथ धो बैठोगे, वो भी पूरे 10 साल के लिए। भाई इस वीडियो को स्किप मत करना, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरी एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आप स्किप कर दोगे तो भाई आपकी आईडी समझ लो 10 साल के लिए गई। भाई काफी सारे बंदे एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि वो बहुत टाइम से कर रहे हैं। भाई मैं भी करता था, आप अभी भी कर रहे होगे, आपको वो पता नहीं होगा कि भाई कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपकी आईडी परमानेंटली यहां पर जा सकती है। ठीक है, वो क्या मिस्टेक है, आपको क्या नहीं करना है, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा कमाल की है भाई, लाइक अभी से कर दो। और जो भी भाई मेरा इस चैनल के ऊपर न्यू आ रहा है, देखो भाई तुम्हें नीचे सब्सक्राइब का बटन एक दिख रहा होगा, फटाफट से इस पे क्लिक करो। क्लिक करते एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे सिलेक्ट कर देना। यहां पर मैं बीजीएमआई और पबजी वाली की ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन लीक्स अपडेट आपको मिलेंगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो। ठीक है, तो जरूर से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर देना। बाकी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बीजीएमआई की आईडी आपकी क्यों बैन हो सकती है, वो छोटी सी मिस्टेक क्या है जिसे आप और मैं अभी भी कर रहे हैं, और भाई उसके बाद हम जानेंगे क्या फ्यूचर में जाके अपना बीजीएमआई बैन हो जाएगा, तो भाई इसके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बीजीएमआई की आईडी क्यों और कैसे बैन होने वाली है। देखो यार, आपसे लोग जैसे ही अपना गेम खेलते होगे, आपका मतलब दोस्त वोस्त भी होता होगा मैच के अंदर, आपको वो मॉली नेड मतलब किसी भी तरीके से मार देता है, आपको खत्म कर देता है, आपसे लोग रिपोर्ट करते हो, उसकी मेरिट्स कम हो जाती है, बस इतना ही होता है। और काफी टाइम आपसे लोग रैंडम बंदे के साथ खेलते हो तो भाई वो 99% आपको ठोके देता है, आपसे मतलब जलता है, आपकी गन वन आप नहीं देते हो तो आपको मार देता है। भाई सिंपल सा फंडा ये होता है। ठीक है, लेकिन अब आप सभी लोग ऐसा करते हो या फिर कोई दूसरा बंदा करता है तो भाई उसकी आईडी होगी बैन 10 मिनट के लिए। अब आप बोलोगे भाई 10 मिनट के लिए, तू तो 10 साल बोल रहा था। सुनो भाई, पूरा सुनो, आपको सब कुछ समझ आएगा। 10 मिनट के लिए आईडी बैन होने वाली है, उसके बाद आप फिर से गेम खेल सकते हो अगर आप एक बार किसी बंदे को मारते हो तो। ठीक है, आपका टीममेट हो गया या फिर कोई रैंडम बंदा आ रहा है उसे आप सभी लोग मारते हो तो। ठीक है, तो भाई देखो अगर आप किसी बंदे को मारोगे तो बस 10 मिनट का बैन लग जाएगा। 10 मिनट का जो बैन लगेगा उसे आपको गेम में रहकर कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब आपका गेम ऑन रहेगा तभी आपके 10 मिनट गिने जाएंगे। अगर आप गेम ऑफ करके बाहर चले जाओगे और बोलोगे कि भाई बाद में आके मैं फिर से गेम खेल लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, 10 मिनट आपको गेम के अंदर ही अपने गुजारने होंगे। ठीक है, और भाई अगर आप ऐसा बार बार करते हो ना, जैसे एक बंदे को मारा, अपने टीममेट को बार 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 मारे ही जा रहे हो किसी बंदे को 1-2-5 मैच में, तो भाई सीधा का सीधा 1 साल से लेके आपको 10 साल का बैन मिलेगा आपकी आईडी के ऊपर, और भाई आपके घोड़े लग जाएंगे, सही में बता रहा हूं। और भाई देखो ये चीज होना बहुत मुझे सही लगी है, ये चीज होना भी चाहिए था, क्योंकि रेंडमली भाई देखो मैं जब अपने गेम खेलता हूं, मेरे पास कोई दोस्त वोस्त जब नहीं आता है, मैं अकेला खेलता हूं, तो भाई रेंडम बंदा क्या होता है, उसे ड्रॉप वॉप लूटना है, मैंने गन समझ लो उठा ली, तो भाई वो उसे मांगता है, मैं नहीं देता तो भाई नेड वेड मार देता है, तो मजा नहीं आता है गेम का। ठीक है, तो ये मुझे बहुत तगड़ा अपडेट लगा है कि भाई ये होना भी चाहिए अपने गेम के अंदर। एंड अगर आप सभी लोग इसे फन के लिए करते थे तो भाई अब से करना इसे बंद कर दो, वरना अपनी आईडी से हाथ धो बैठोगे। चलो ये बात हो गई अपनी बीजीएमआई की आईडी बैन को लेकर, भाई आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को अपने फ्रेंड के अंदर जरूर से शेयर करना, और उसे भी इंफॉर्मेशन ये पहुंचा देना कि क्राफ्टन का नया अपडेट आया है कि भाई आप सभी लोग अपने फ्रेंड को या फिर अपने टीममेट को किसी से मारते हो, मौली वॉली से खत्म कर देते हो तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी। इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड तक जरूर से पहुंचा देना, इतना कहना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर क्या बीजीएमआई परमानेंट फिर से चला जाएगा, बैन हो जाएगा। तो भाई देखो काफी सारे बंदे इससे डिसएग्री करेंगे कि भाई तू गलत बोल रहा है। देखो भाई आपको पता होगा बीजीएमआई क्यों बैन हुआ था, डेटा यहां वहां बाहर जा रहा था, ये एक बड़ा रीजन था। चलो मैं मानता हूं 99% यही रीजन था, लेकिन 1% भी आपसे लोग देखोगे ना तो भाई बैकग्राउंड के अंदर जो सीन चल रहा था ना, आपको पता होगा काफी सारे बंदे अपने अकाउंट के अंदर से बहुत सारी यूसी उड़ा रहे थे, जो कि चलो 7000 की लिमिट अब लगा दी गई है। और अब देखो भाई काफी सारे बंदे क्या कर रहे थे, अपने पेरेंट्स के ऊपर ही हावी हो रहे थे, पेरेंट्स को मार रहे हैं, काफी सारे जगह आपको कैसे कैसे केसेस देखने को मिले हैं, आपको खुद पता होगा किसी ने अपने मां को मार दिया, बाप को मार दिया, ऐसे बहुत सारे केसेस थे। ठीक है, ये भी अपने को बहुत इफेक्ट कराया अपने बीजीएमआई को बैन को लेकर, इसके पीछे एक बड़ा हाथ है, मानो ना मानो भाई ये हाथ है, तो भाई आपके हाथ में अभी गेम है, तुम चाहो तो गेम को बचा सकते हो, तुम चाहो तो गेम को बिगाड़ सकते हो। भाई तुम्हें कोई लोचा लफड़ा नहीं करना है भाई, देखो भाई 18 से कम हो, 3 घंटे का टाइम दिया है, उससे ज्यादा भाई सीन मत करना, मतलब है गेम अभी चल रहा है, तुम फिर बैन वैन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी,
मतलब हाथ में तुम्हारे ही है, तुम कोई घबला करोगे तो भाई गेम जाएगा, ठीक है। 6 घंटे जो अडल्ट हैं उनको दिया गया है, तो 6 घंटे से ज़्यादा खेलने के वेलने की ट्राई मत करना, कुछ ना कुछ लोचे लफड़े मत करना। यूसी को लेकर हो गया और गेम खेलने को लेकर आपको कुछ नहीं करना है, बस जो चल रहा है चलने देना है, क्योंकि 3 महीने तक भाई कड़ी से कड़ी नज़र इसके ऊपर रखी जाएगी, ठीक है। और 3 महीने के बाद भी नज़र रखी जाएगी, लेकिन इतनी स्ट्रिक्टली नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। तो बस आपके हाथ में गेम है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसा कि भाई BGMI को कुछ इफेक्ट हो, कुछ फिर से एक्शन लेना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आईडी बैन को लेकर भाई काफी सारे बंदों का सीन हो सकता है आगे जाके, क्योंकि काफी सारे बंदे ये गलती करते हैं। मैं खुद भी यार अपने टीममेट को कभी कभी मार देता हूँ गुस्से में आके या फिर मजाक में, तो ऐसा अब आपसे लोग बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और BGMI को आराम से खेलना, सेफ खेलना, 3 घंटे मिले 3 घंटे खेलो, 6 घंटे मिले 6 घंटे खेलो, ज्यादा दिक्कत मत लो, गेम ही है, कोई असली दुनिया तो है या है नहीं, ठीक है। तो चलो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड के अंदर, एंड पसंद आई हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन ऑल पे कर देना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।